जय हिंद दोस्तों रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको एक लेटर समझा रहा हूँ दोस्तों ये लेटर तो निकला था 16 जून 2022 को पहले का लेटर है पता नहीं दोस्तों आपने ये लेटर समझा है या नहीं समझा है या आपने इसका फ़ायदा लिया है या नहीं लिया दोस्तों अगर आपने ये लेटर नहीं समझा तो दोस्तों मैं आज आपको समझा देता हूँ ये लेटर निकला था सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ई डिपार्टमेंट की तरफ से एजुडेंट जनरल ब्रांच की तरफ से और दोस्तों इन हेडक्वार्टर्स को ये लिखा जा चुका है लेटर सब्जेक्ट एडवाइजरी ऑन कंसर्वेशन एट ई सी एच एस हॉस्पिटल इन आर ओ ई सी एच एस बेनिफिशरीज एज सेवनटी फाइव ईयर्स एंड अबव यानी दोस्तों जिन पेंशनर्स की एज जिन बेनिफिशरी की एज 75 फाइव ईयर्स है या उससे अबव है अगर दोस्तों हेल्थ से लेटेड कोई भी एमरजेंसी है उन्हें ओ पी डी से रिलेटेड हेल्थ इशू है कोई इमरजेंसी का तो दोस्तों वो बिना पॉलीक्लिनिक जाए बिना रेफर कराए वो डायरेक्ट इम प्राइवेट हॉस्पिटल में जा सकते हैं अपना इलाज करवाने है. दोस्तों ये एक एडवाइजरी है ई की तरफ से दोस्तों इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लेटर का भी जिक्र करा हुआ है पुराने लेटर हैं ताकि जो हॉस्पिटल्स हैं वो इन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें प्लीज रेफर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये लेटर नंबर दोस्तों दे रखा है डेटेड 29 मई 2019 का एक और दोस्तों लेटर है सीओ ईसीएचएस लेटर नंबर दूसरा पैरा देखिए क्या लिखा है अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिस लेटर नंबर तीन फरवरी 2020 एंड पैरा थ्री ऑफ सीओ सी एच एस लेटर नंबर इन दोनों लेटरों के अनुसार अगर बेनिफिशरी की एज 75 ईयर है या उससे ऊपर है शेल बी परमिटेड टू तो सीक डायरेक्ट ओ पी डी कंसल्टेशन फ्रॉम स्पेशल ऑफ प्राइवेट इम हॉस्पिटल यानी जिन पेंशनर्स की या फिर बेनिफिशियरी की एज पिचहत्तर साल है या उससे ऊपर है तो डायरेक्ट वो ओ पी कंसल्टेशन ले सकते हैं किसी भी प्राइवेट इम्पेनल्ड हॉस्पिटल में विदाउट ए रेफलर फ्रॉम द ई सी एच एस पॉली और दोस्तों उन्हें पॉलीक्लिनिक जाने की जरूरत नहीं होगी उन्हें कोई रेफर कराने की जरूरत नहीं होगी डायरेक्ट जो बेनिफिशरी है डायरेक्ट जो पेंशनर है वो डायरेक्ट प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा सकता है उन्हें रेफर कराने की जरूरत नहीं होगी डायरेक्ट वो जा सकता है प्राइवेट हॉस्पिटल में तीसरा पॉइंट क्या लिखा है द अबव लेटर क्लियरली मैंशन डेट इफ एनी इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर आर एडवाइज एंड आर रिक्वायर्ड इन एमरजेंसी कोई भी दोस्तों उन्हें यह नहीं बोलेगा कि आप ये साइन करा के लाइए या आपको उस डिपार्टमेंट में जाना है आप पॉली क्लिनिक जाइए कोई दोस्तों उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है इसमें क्लियरली मैंशन कर रखा है नो अदर ऑथराइजेशन इज़ रिक्वायर्ड एंड द सेम मे बी अंडर कोई ऑथराइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कोई कहीं से आपको साइन कराने की ज़रूरत नहीं है कि आप दोबारा पॉलीक्लिनिक जाएं फिर हॉस्पिटल जाएं या फिर दूसरे डिपार्टमेंट जाएं कहीं जाने की जरूरत नहीं है अगर आपकी इमरजेंसी है अगर ओ की ज़रूरत है तो डायरेक्टली आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे जो इम्पेनल्ड है वहाँ पर आप अपना इलाज करवा सकते हैं रेफर की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी ना ही कोई डॉक्टर आपको तंग करेगा ना ही कोई परेशान करेगा डायरेक्ट आप ये लेटर दिखा सकते हैं कि इस लेटर के बेस पे हम आए हैं आगे क्या लिखा है हाउ एवर इन नॉन इमरजेंसी कंडीशन अप्रूवल ऑफ कंपिडेंट अथॉरिटी इज रिक्वायर्ड यानी जिसकी नॉन इमरजेंसी है अगर इमरजेंसी नहीं है तो दोस्तों उस कंडीशन में अप्रूवल लेनी होती है कंपिडेंट अथॉरिटी की इफ एनी नॉन लिस्टेड इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर आर एडवाइस तो दोस्तों इस केस में नॉन लिस्टेड इन्वेस्टिगेशन होती है यानी दोस्तों जिनकी इमरजेंसी नहीं है यानी एक वो नॉर्मल सा ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं नॉर्मल सी दवाई लेना चाहते हैं उस केस में कंपिनेंट अथॉरिटी की जरूरत पड़ेगी उस केस में आप पॉलीक्लिनिक जा सकते हैं थर्स द बेनिफिशरी आर अलाउड टू अंडर गो लिस्टेड इन्वेस्टिगेशन विदाउट एनी फर्दर अप्रूवल फ्रॉम कंपिनेट अथॉरिटी दोस्तों इस केस में कोई भी अगर इमरजेंसी है तो इस केस में किसी की भी अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है अथॉरिटी की डायरेक्ट अगर इमरजेंसी है ओपीडी से रिलेटेड आप इलाज चाहते हैं तो डायरेक्ट आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जा सकते हैं सेम no कोई भी दोस्तों बेनिफिशरी को, कोई भी हैरिस्ट नहीं किया जाएगा प्रेशर नहीं बनाया जाएगा कि आप उस जगह जाइए आप रेफर करा के लाइए पॉलिक्लिनिक से कोई डॉक्टर दोस्तों को आपको कुछ नहीं बोलेगा डायरेक्टली आप हॉस्पिटल में जा सकते हैं अपना इलाज करवाने लास्ट पॉइंट देखिए दोस्तों क्या लिखा है The above advisory is applicable for 75 years and above only. दोस्तों ये जो लेटर है ये उन्हीं के लिए काम आएगा जिन बेनिफिशियरी की या जिन पेंशनर्स की एज 75 साल है या फिर उससे अब उन्हीं को दोस्तों इस लेटर का फायदा मिलेगा तो दोस्तों आई होप मेरे द्वारा इस जानकारी से आप संतुष्ट होंगे अगर दोस्तों ये लेटर आपके पास नहीं है या आपको नहीं पता है इसके बारे में तो दोस्तों आप ये लेटर मेरे से ले सकते हैं वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा सबको ताकि जब आप कभी इलाज करवाने जाएं कोई इमरजेंसी हो अगर आपकी एज पिचहत्तर साल है या फिर उससे अबव है अगर कोई भी हॉस्पिटल आपकी नहीं सुनता आपको तंग करता है तो दोस्तों आप ये लेटर दिखा के उन्हें समझा सकते हैं तो दोस्तों तब तक के लिए दोस्तों मैं वीडियो ये एंड करता हूँ वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों थैंक यू सो मच